पहुंचे, कैसे मार हुआ, क्या मामला पहले से चल रहा था आप लोगों का? सर हम लोग सब शाम को, अरे सब हम लोग सुबह में बैठे। घटना कब की है, आज या कल का? कल का सुबह 7 बजे का घटना है, 7:30 बजे का लगभग। आप लोग हॉस्पिटल कब आए? हम लोग हॉस्पिटल लगभग सर कल ही आए। मार होने के बाद हम लोग मेराल में आए, मेराल से हम लोग के सब भेज दिए सदर में। और हमारे नसरत चाह है, उनको ज्यादा सीरियस हो गया तो उनको कल ही रेफर कर दिया गया रांची के लिए। हाँ। वो रांची में भर्ती उनको है। क्या तकलीफ था, कहाँ चोट क्या लगा? वो सर जो रांची रेफर के हैं, जो रांची रेफर हुए हैं, जियाउल हक नाम है उसका, जियाउल हक अंसारी। क्या उनको हुआ था? वो गणासा होता है सर, वो बड़ा लाठी में भिड़ाया जाता है, वो लोहा का होता है, उसी से पूरा यहाँ माथा में मारा था वो। तो देखने वाली चीज है सर, चाहे डॉक्टर का रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जब मारा वो फट गया है, एक यहाँ पे चोट, एक यहाँ पे भी चोट था। एक अमरुल्ला अंसारी नाम है, उनको भी माथा में ही मारा है, वो मसौवर अंसारी मारा है, उनको भी डालेंगे जब भी भर्ती है। वो रात तक यहाँ थे लेकिन सुबह में उनको भी भेज दिया गया, यहाँ पे बोले कि नहीं हो पाएगा। ये विवाद क्या उत्पन्न हुआ, किस बात का लेकर झगड़ा हुआ आप लोग? हम लोग सब घर में अपना अपना थे, सुबह में कोई उठ करके ये करता है वो करता है, काम कर रहे थे। तो हमारे पंचायत के मुखिया विष्णु यादव के पिताजी रामजी यादव, उनको मसौर मियाँ ले आने गए थे, कहला कि चलिए नली का पानी आप लोग के रोड पे जा रहा है तो उसको बंद करवाना है, जो वो लोग बुला रहे हैं चलिए। हमारे पिताजी बोले और चाचा लोग बोले, दो गो वहीं पे थे हमारे द्वारे पे, तो बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे, जे कुछ सुनने में आ रहा है कि उन लोग कदम विवाद करेगा, मार झगड़ा करेगा, तो नहीं हम लोग जाएंगे, नहीं चलो चलिए ना, हम है मार हो जाएगा, चलिए। तो विवाद जमीन को लेकर हुआ। हाँ, मारने वाले कौन कौन है आप लोग का? हमको मारने वाले सफराज अंसारी हैं, वो मारा हमको लाठी से, मेरा हाथ टूट गया पूरा। टोटल लोग कितने लोग उन लोग थे? और उन लोग सर देखिए, मसौवर अंसारी, तसौवर अंसारी और यहिया अंसारी, जियाउल हक अंसारी, सरफराज अंसारी और गुलाम कौसर, गुलाम सरवर और मुर्शीद अंसारी, इसरातुल अंसारी, सवाल अंसारी, सलमान अंसारी, ठीक सर, अलीजामा अंसारी, मजुद्दीन अंसारी, कमरुजामा अंसारी, अख्तरजामा अंसारी, ये सारे लोग मिल करके पूरा गांव में मिलकर मार दिया है क्या? नहीं नहीं, अपना गोतिया में ही उनका गोतिया, इतना बड़ा गोतिया है। हाँ, इन लोग का इतना बड़ा गोतिया है, सब मार तो हुई किया वहाँ पे, जगह पे जहाँ पे मार हुआ हम लोग मारा है। आप लोग नहीं मार पाए? हम लोग नहीं मार पाए, हम लोग सर नहीं ना तैयारी में थे, हम लोग को पता नहीं ना था। उन लोग भी हॉस्पिटल आए हैं? नहीं, कोई भी नहीं हॉस्पिटल में है सर, उन लोग कहीं भी पता कर। इसके बाद आप लोग थाना वाना गए? थाना हम लोग गए सर, हम लोग जब थाना जा रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल में आए जितना जख्मी थे, हॉस्पिटल में आने के दौरान हम लोग तो चले आए, जो जो ज्यादा जख्मी थे, जो हम लोग के पीछे से गार्जियन आ रहे थे, उनको इसहाक अंसारी नाम है बेटा का, उनका मंजूर अंसारी नाम है, वो हम लोग के पास आ रहे थे, वो भी डर से आ रहे थे उधर कजरमारा होते हुए। इनको सर हासन नाग में छेक करके 4 आदमी और मार दिया, जाउल हक अंसारी मार दिया, सरफराज अंसारी, गुलाम सरवर, ठीक सर, तो सोवर अंसारी, हमारे चाचा वहाँ आगे हैं, इसहाक अंसारी नाम है, उनको जा करके देख लीजिए हालात। दतवनिया से आप लोग हसन दा क्या करने जा रहे थे? आ रहे थे मेरे यहाँ, आ रहे थे और मेरे पास आ रहे थे, थाना में जा रहे थे और थाना से होकर के मेरा लाते, जो हम लोग यहाँ पे भर्ती थे वहाँ से हम लोग फिर रेफर यहाँ पे किया। सर बकरीदू अंसारी नाम है हमारे चाचा को, और एक नसरत चाचा का लड़का गुलाम रब्बानी नाम है जिलानी, वो भी लेकर के आ रहे थे चाचा को कि चलिए मेराल, देख भीठा है वहीं पे, भीठा के पास, और उनको छेक करके वहाँ पे भी मारा गया उनको। और एक मुर्शीद अंसारी है, प्रशासन आने के बाद सर के बात है। अच्छा, प्रशासन के सामने सब हुआ? प्रशासन आने के बाद भी फिर मार किया है उन लोग, मैंने सामने में या फिर नहीं, उन लोग चला गया कि सामने था, हम लोग तो सर जो जो जख्मी हो गए थे हम लोग चले आए, इसके बाद हम लोग को पता नहीं, ये प्रशासन गांव में ही था कि कहाँ था, वो हम लोग के नहीं जानकारी। तो आप लोग थाना दी, थाना में केस तो दर्ज हो गया होगा ना, अभी पेंडिंग में पड़ा? कल हम लोग दिए थे सर जा करके, तो केस दर्ज हुआ? केस दर्ज अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है सर, हुआ कि नहीं हुआ। तुम लोग का कुछ गिरफ्तारी उफ्तारी कुछ है? कुछ भी नहीं हुआ है सर अभी तक। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है सर, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग के यहाँ से गार्जियन आज भी गए, अभी तक भी कुछ नहीं पता चला है। और हमारे घर में जो महिला लोग है, उन लोग जब रात में सोई, जो भी दो चार महिला थी रात में, उन लोग का जा करके मर्द लोग, और डायरेक्ट आवाज़ हाला कर रहा है कि बाहर निकलो, बैल खोल दिए हैं। अब बताइए सर क्या इशारा है उसका, वो भी बात है। दूसरी बात कि एक मुर्शीद नाम है, यासिन गंगवा का बेटा है, इसरातुल सवाल,
कैफ नाम है, वहाँ सगोर गुमा का बेटा है सरफराज अंसारी, उन लोग हम लोग जब यहाँ हॉस्पिटल में आ गए मेराल तो फिर से तलवार ले करके कहता ऐसे और पूरे ऐसे ऐसे हिला रहा है, दुकान देन सबसे बाइक से और हमारे घर तरफ। लोग तलवार कहाँ से लाता है? तलवार तो रखना, तलवार तो सर घर में ही है उन लोग का। ऐसे ऐसे लहरा रहा था और बोल रहा था, जब मार रहा था हमारे इसाक चाकू और बकरीदू चाके, जो तुम लोग के पास कागज न है, तुम लोग के मार के मुवैया देंगे तो कागजवा क्या करेगा? जमीन का कागज। हाँ, तुम लोग के मार के मुवैया देंगे तो कागजवा क्या करेगा? इसीलिए तो पड़ गए हैं। अब अभी 5 दिन मार होगा, 5 दिन लगातार। अब अभी तक प्रशासन भी कुछ नहीं लिया है सर एक्शन में। क्या लग रहा है, आप लोग हॉस्पिटल से घर जाएंगे तो फिर मार होगा? अब सर वो खुदा जाने हो रहा है सर वो चीज़। अभी हॉस्पिटल में भी उन लोग आया था 5 आदमी। एक्सरे करवाए तो क्या, हाथ में क्या एक्सरे दिखा दीजिए, क्या निकला? दोनों एक्सरे दिखाइए। वो हम कैमरा में नहीं दिखाई देगा, आप बताइए ना क्या हुआ? सर पूरा टूट गया है, वो पूरा टूट गया है। नौशाद आलम के पास दिखाए हैं, वो बोले कि ऑपरेशन बिना कुछ नहीं होगा, ठीक आप अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा लीजिए। हम एक्सरे में देख रहे हैं कि इसका ऑपरेशन करना होगा। यस सर, हड्डी क्या पूरा कुरकुट हो गया, पूरा अलग अलग हो गया है सर। अगर जी ये कैमरा में दिखाएगा तो आप दिखा सकते हैं, दो है। एक मेरा है सर एक्सरे, पूरा अलग अलग है जी, हड्डी तो अलग हो गया। ये सर ये देखिए सर, ये और अच्छा दिखाई देगा, ये फर्स्ट वाला है, एक सेकंड वाला है, तो पूरा दोनों हड्डी हो गया। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, बिना ऑपरेशन के ये नहीं होगा सर। प्रशासन कुछ नहीं ले रहा है ठीक से। अब प्रशासन आगे क्या चाहते हैं आप लोग, इधर आएंगे क्या चाहते? जैसे भी हम इंसाफ चाह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग के बार बार मारा जा रहा है। जैसे कोई भी लड़ाई होता है तो एक दो बार होता है, प्रशासन आने के बाद भी मार हो रहा है और हासन दाग में दतवनिया में दौड़ा दौड़ा के मार किया जा रहा है। बोल रहा है जो तुम लोग के कागज है तो क्या हुआ, सबको मार के गाड़ देंगे। इसलिए वो अभी तक प्रशासन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न कुछ कार्रवाई कर रहा है। अब हम लोग के अभी भी जो फैमिली लोग घर पे है, ताला वाला भर के हम लोग के फैमिली घर के अंदर कुत्ता की जिंदगी जी रहा है। मतलब कोई प्रशासन का रोल नहीं है, कुछ नहीं ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी भी उन लोग धमकी आ रहा है, जब 4 दिन तो 5 दिन तो 10 दिन तुम लोग के मारेंगे, तुम लोग के पति काहे नहीं आ रहा है, तुम लोग के बच्चा के उठाएंगे, ऐसे बोला जा रहा है। हमारे भैया एक टीचर हैं, बड़ा शिक्षक में है उनका नौकरी। कल जब मार हो रहा था तो उस समय भी बोला और बाद में भी बोला हमारे फैमिली लोग के सुना करके, जमील अंसारी नाम है उनको, उसको बुलाओ, उसको तो डायरेक्ट काटेंगे, उसको पढ़ाने आएगा उसको डायरेक्ट काटेंगे। सर अब इस पर बताइए, आप आगे तक बात पहुंचाइए, हम लोग के थाना अगर जो सुन नहीं रहा है, आप आगे तक बात पहुंचाइए सर, जल्द से जल्द सुनवाइए। और नहीं तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा गांव में कर्फ्यू लगाया जाए, और कर्फ्यू नहीं लगाइएगा हम लोग सर डायरेक्ट धरना करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सर पूरे फैमिली जख्मी हैं, फिर से हम लोग घर जाते हैं, फिर न कुछ न कुछ करेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल में भी भर्ती हम लोग सर जितना भी जेंट्स लोग हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे रांची एक आदमी गया है तो 2-3 वहाँ उसके साथ में चला गया है, एक डाल्टनगंज में उसके साथ 2-3, और यहाँ पे 8-9 आदमी है, इसके साथ कोई एक है कोई दो है। हम लोग टोटल जेंट्स मतलब यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ दवाई कराने में लगे हुए हैं, हम लोग के जेंट्स एक भी घर पे नहीं है। अब बोल रहा है जो आएगा तो यहाँ पे मारेंगे उन लोग के भी, ऐसे बोल रहा है।